अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट के बाद आपके कोर्स सिलेक्शन या प्रोजेक्ट सिलेक्शन की जो भी लास्ट डेट होगी, जैसी वो डेट खत्म होगी, आप जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए, लेट सपोज चॉइस क्लोथिंग स्टोर आपने आपका प्रोजेक्ट है, जितने भी वर्चुअल इंडस्ट्री के स्टूडेंट ने वो प्रोजेक्ट लिया होगा, वो सब आपके एलएमएस में शो हो जाएगा आपको। तो ठीक है, तो आज हम उस पर बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इसके आप असाइनमेंट टाइप में जाएंगे तो जैसे ही आप जाएंगे आपको इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीवर सेंड और सेंड इनोवेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए मैं प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है चॉइस क्लोथिंग स्टोर, ये मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर पूरे पाकिस्तान में, यानी पूरे पाकिस्तान से आउटसाइड भी, जितने वर्चुअल यूनी के स्टूडेंट्स ने चॉइस क्लोथिंग स्टोर सेलेक्ट किया होगा, वो सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप सारे कितने, यानी 25 सीट होती है इंक्लूडिंग आप, यानी 24 स्टूडेंट्स आपको शो होंगे, 25 आप होंगे और 24 आपको पूरे स्क्रीन पर शो हो रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप सेट नहीं करना भाई ये चॉइस क्लोथिंग स्टोर किसका प्रोजेक्ट है, किसका प्रोजेक्ट है, तो आपने ये करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोजेक्ट सेलेक्शन के बाद आप 5 दिन वेट करें, उसके बाद आप खुद ही आपके एलएमएस में शो हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं, पहले लिखा हुआ है रिसीवर, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नो ग्रुप इनोवेशन रिसीव येट। इसका मतलब क्या है कि किसी ने आपको ग्रुप रिक्वेस्ट सेंड की है रिसीवर, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कुछ भी नहीं। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ लिखा आ रहा है सेंड, आपने किसी को सेंड किया है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है नो ग्रुप इन्विटेशन सेंड येट, यानी आपने किसी को इनोवेशन सेंड नहीं की है। या वीडियो देखते रहें आपको समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। फिर नीचे आए, नीचे लिखा हुआ है सेंड इनोवेशन, आपने किसी को सेंड करनी है, तो यहाँ से आपका सारा रिसीवर और सेंड वाला काम होगा। यानी ठीक है, ये लिस्ट आप देख रहे हैं, अगर कोई आपका स्टूडेंट ये लिस्ट देख रहा होगा, आपको जैसे सेंड करेगा तो आपको रिसीव में लिखा हुआ आ जाएगा, आपने एक्सेप्ट करना है, इग्नोर करना है, और इसी चीज़ को अगर सेंड करेंगे तो सेंड में आ जाएगा सेंड इनोवेशन, आपने इसको सेंड इनोवेशन सेंड किया। ठीक है, अभी आप लिस्ट देख सकते हैं, अगर इसमें आप एक चीज़ नोट करें तो ऊपर सबसे पहले आ रहा है सीरियल नंबर आ रहा है, उसके बाद आ रहा है स्टूडेंट आईडी, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद उसका कैंपस, उसके बाद उसका सिटी, उसके बाद उसका CGPA है, और उसके बाद आ रहा है एक्सचेंज सेंड इनोवेशन। ठीक है, तो नीचे तक पूरी लिस्ट देख लें, लेकिन टोटल 24 स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं एंड में। ठीक है, तो ये आपके लिए वर्चुअल आसानी देता है कि आप पूरे प्रोजेक्ट सिलेक्शन में देख लें, ताकि आप लोगों को ग्रुपिंग बनाने की आसानी हो जाए। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बाद जो है वो ग्रुपिंग होती है, तो ग्रुपिंग आपकी मर्जी होती है। अच्छा, आप ग्रुपिंग बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये भी टॉपिक नहीं है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करूँ किस तरीके से आप लोग जो स्टूडेंट हैं उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, उससे आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं देख लिया, आपका इंटरफेस आ गया। अब सबसे पहले मैं इसमें प्रायोरिटी ये होगी कि मेरे कैंपस से कौन से हैं, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एफ करूँगा, तो मैं लिखूँगा KHI। ठीक है, मैं कराची से हूँ, तो देखें आप देखें 24 स्टूडेंट में से मुझे कराची के कमोबेश 3 जगह सर्च में लिखा रहा है, 3 मिले हैं, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी मैं इन 3 से कॉन्टैक्ट करूँ। कॉन्टैक्ट मैं सारे से करूँगा और सबको मैं कोशिश करूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँ जिसमें सारे लोग ऐड हो जाएँ, और मेरा ये तीन मेरे बंदे ऐसे होंगे चाहूँगा कि इनसे मैं अपना ग्रुप बनाऊँ, अगर मुझे ग्रुप बनाना है तो। 3 कैंपस है, 3 में से जो है VKH02 ये मेरा कैंपस है, तो देखें इसमें ये एक सभा शर्मा की लड़की है जो मेरे कैंपस की है, तो मेरी कोशिश ये होगी सबसे पहले कि ये मेरे कैंपस की मैं इससे कॉन्टैक्ट करूँ, और जो बाकी के जो 2 कराची के हैं वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो ये 2 होगी। थर्ड प्रायोरिटी मेरी क्या होगी कि इसके अलावा जितने भी, इन 3 के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँ। तो ये देख सकते हैं हम कि CGPA भी लिखा है, या आप CGPA देख के भी अंदाज़ा कर सकते हैं पढ़ने में कैसा है, इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट तो करेंगे। ठीक है, तो ये सारी आईडी लिखी हुई है MC BC, यानी कि ये मास्टर्स की, और BC मतलब बैचलर्स की चल रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ये आपके साथ नहीं आ गया, अब आपने किस तरीके से इन सब बातचीत करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ से आएंगे, सेलेक्ट करेंगे सीरियल नंबर 7 से लेकर एनटेक के, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, एक एक्सेल की फाइल में आएंगे, एक न्यू आप एक्सेल फाइल ले लें, आपकी मर्जी है कि सिंपल एक्सेल की ले लें या ड्राइव में एक्सेल की फाइल ले लें। ठीक है, अपना हेडिंग डाल लें CS619, अपना प्रोजेक्ट का नाम पूरा सेलेक्ट करें, आप 1 से लेकर एनटेक सेलेक्ट करें। ठीक है, कंट्रोल सी करें, एक्सेल की फाइल में आए, नीचे आए और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी। जैसे आप कंट्रोल वी करेंगे आपका पूरा डाटा वहाँ से यहाँ आ जाएगा, डाटा वहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ भी लेके आया हूँ, यहाँ मैं इसलिए लेके आया हूँ, फिल्टर भी आराम से अप्लाई कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। तो आप बेहतर ये कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट नहीं तो फिर आप एक्सेल की फाइल में कर लें, तो एक्सेल की फाइल में ये होगा कि एडिट वगैरह और फिल्टर वगैरह आराम से हो जाएगा। फिर मैं आने के बाद क्या करूँगा, मैं इसमें फिल्टर अप्लाई कर दूँगा, जैसे ही मैं इसमें फिल्टर अप्लाई करूँगा तो मेरी सेलेक्शन करना आसान हो जाएगी। आप ऊपर देख सकते हैं जैसे कि कैंपसेस आ रहे हैं, तो मैं अपने इसमें कोई भी कैंपस सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे वही शो होंगे। अगर आप लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरे कैंपस के आराम से मेरा स्टूडेंट सामने आ गया, उसके आईडी आ गई, उसका नाम आ गया। ठीक है, सारा ठीक है। अब एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे लिखा रहा है पेशावर, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है VU के, अच्छा कैंपस कौन सा है। ठीक है, अब ये पेशावर का होगा या इसने मूव करवाया होगा रिसेंटली, यहाँ पे आ गया होगा, तो इस वजह से उसका कैंपस ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो हम इससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, वैसे तो मैं सबको सेंड करूँगा, लेकिन आपको वीडियो में गाइड करने की दिखा रहा हूँ, 3 मंथ का फ्लैट सपोज के मुझे इनको ग्रुप बनाना है। ठीक है, अब वैसे तो आप सबको सेंड करेंगे, लेकिन आपको वीडियो में दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, तीनों के आगे इनकी ईमेल आईडी डाल लूँगा। किस तरीके से, आप देखें, मैं लिखूँगा @VU.EDU.PK। ठीक है, इस यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और तीनों के जो आईडी है इनके जाके मैं आके पेस्ट कर दूँगा। तो अब क्या करूँगा, ये बन गई इनकी ईमेल आईडी। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं जीमेल में जाऊँगा, अपनी आईडी
से लॉग इन करूँगा जो मेरी अपने विजुअल हिस्ट्री की आईडी है, ताकि लगे पढ़ने वाला पढ़ा तो उसको लगे हाँ बाकी इसका स्टूडेंट है। अब वहाँ पर जाके एक एक करके इन तीनों की जो है ईमेल आईडी पेस्ट कर दूँगा, मुजाहिद आफ्ताबी की, फिर मैं सबा अशरफी करूँगा, और फिर मैं आगे दानिश मंसूर जो है इनकी करके पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर लिखूँगा सब्जेक्ट CS 619 प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे अपना नंबर डालने और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डालने और उनको सेंड कर दें। तो जैसे ही आप सेंड कर देंगे, ठीक है, सेंड करने के बाद बस ईमेल पहुँच जाएगी, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपका ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने ये किया, इसमें से 24 में से कमोबेश 12 स्टूडेंट ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो मेरे लिए आसानी होगी। अब 12 कॉन्टैक्ट में उनसे, तो जो भी प्रोजेक्ट में हमारे पास हेल्प करने की वो हम आपस में एक साथ कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम ग्रुप बनाना चाहें ग्रुप भी बना सकते हैं, ग्रुप बनाना नहीं चाहें तो हम नहीं भी बना सकते। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके से एडमिशन सेंड करना है, ये काम आप जरूर करें ताकि आपको सेम प्रोजेक्ट होगा, आपको आसानी रहेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।